और मेकअप में स्पेशली देखना चाहती हूँ कि वाजिद इसकी आंख को क्या करता है, कैसे खूबसूरत करते हैं। हाँ, मुझे 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 लगता है कि ये बहुत मुश्किल आंख है। हाँ, बहुत मुश्किल आंख है। सो देखते हैं कि वाजिद इसका क्या हल निकालते हैं। अच्छा वाजिद, खुद आपको कौन सी आंख पे मेकअप करना मुश्किल लगता है? ये आंखें जो मैं कर रहा हूँ ये सबसे मुश्किल आंखें होती हैं। अच्छा, सो ये मेकअप करने के लिए सबसे मुश्किल आंखें आबिदा जो आपके नसीब में आई हैं। लेकिन आप देख रही हैं ना कि वो किस तरह से कर रहे हैं, तो आपने बस उसी को फॉलो करना है। बाकी मेकअप तो आप अच्छा कर ही देती हैं, हाथ सिर्फ ऐसे आपने चलाना है। गोल्ड एंड ब्लैक। हाँ, गोल्डन ब्लैक था। लेकिन ये बहुत काले वाला स्मोकी नहीं है। अच्छा वाजिद, बेस्ट आईलैश कौन सी है? फाइव नंबर इज द बेस्ट। और आजकल ये जो हुदा वगैरह 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 चले हुए हैं, पता है मुझे लगता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है जब आप इतना बड़ा लैश लगा लेते हैं। तो जो आपने इतनी ऊपर क्रिएटिविटी की है वो लैश से सारा छुप जाता है। जो हुदा स्टाइल है ना, वो है कि अगर आपने आई मेकअप ज्यादा नहीं करना और आपने लगना है कि मेरा मेकअप भी हुआ हुआ है, तो फिर वो लैश, जैसे मैंने जो लैश लगाई हुई है ये हुदा टाइप की है, तो ये मैंने जान छुड़ाने के लिए कि एक एक मतलब लगे कि मेकअप भी हुआ हुआ है और ज्यादा मेकअप भी नहीं करना पड़े और ये लैश रख लो और लेंस लगा लो और लिपस्टिक लगा लो, ठीक है। लेकिन अगर आपने, जैसे कि बिल्कुल ठीक कहता है कि मुझे इस तरह की लंबी लैश बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि फिर इसका आई मेकअप दिखेगा ही तो फायदा ही नहीं है। लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड आजकल है। तो बहुत सारे सलॉन्स और बहुत सारे लोग हर ट्राइव एंड सर्वाइव ही हुदा के ऊपर कर रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी लैशेज लगा देते हैं कि वो बिल्कुल फेरी टेल आईज जो होती है ना वाजिद, बिल्कुल मुझे फैंसी एंड फैंटेसी आईज जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो यू डोंट बिलीव इन दैट? नो, मुझे लगता है कि आपकी अपनी शक्ल ही छुप गई जब आप उतारते हैं तो सब चीजें खाली लगती हैं। हाँ, फैशन शूट के ऊपर लगा लें आप क्रिएटिव चीजें करने के सही। हाँ, उसको लग जाएगा, वो लग जाएगा। अच्छा, लेकिन वाजिद की दुल्हन ऐसी है कि वो प्यारी लगती होगी लेकिन जब मेकअप उतरता होगा तो उसका दूल्हा डर के भाग नहीं जाता होगा क्योंकि इतना फर्क नहीं आता होगा, फर्क नहीं आएगा कि वो ये तो ये कोई और खातून है। सदर, तुम्हारी आंख बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। एनी की, सॉरी एनी की। चलें, अभी पानी आ रहा है ना, तो वो बाकी सामने दिखा, सामने देखो। एनी को आई मेकअप दिया गया। अब नेक्स्ट है हमारी, वो है मोमिना और मोमिना के साथ मॉडल। आ जाओ मोमिना इधर। मोमिना की मॉडल सना, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी। उसकी आंख कितनी मुश्किल है, पूरा नक्शा बदल गया। उसकी आंख में डेप्थ भी आ गई है और खुल गई है एकदम से। मुझे सना की आंख मुश्किल लगती है। सना की आंख मुश्किल है और सना के फीचर्स भी मैं थोड़े मुश्किल हैं मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इधर आ जाएं और आपके इधर आ जाएं, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे यूं। तो अब छोटी आंख पे मेकअप कैसा होना चाहिए, हम मेरा ख्याल है वो देखेंगे कि अगर आपके हिस्से में कोई ऐसी ब्राइड आ गई है जिसकी आंखें छोटी हैं बहुत रिलैक्स और फीचर्स हैं वो जरा चौड़े हैं, तो फिर क्या करना है? ओके, सो क्या है कि सबसे पहले हम सॉलिड पिंक कलर उठाएंगे, पिंक, ठीक है, पिंक, ठीक है। जैसे क्या नाम था दुल्हन का? सना। सना की, सना इतनी बड़ी भी नहीं है, सना की एज बहुत ज्यादा कम है, छोटी है, तो हम सना को पिंक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं वाजिद, हर दुल्हन की उम्र छोटी होती है, कम होती है। नहीं, सना का तो वैसे भी फेस भी छोटा छोटा सा ही नहीं, है। नहीं, आप लड़की का रिश्ता देखने जाएं तो ग्रेजुएशन से ऊपर नहीं होती। शादी होती है ना वो 20 साल 22 साल मुश्किल से 20 साल चेहरा कुछ और भी कह रहा हो। अच्छा, आप तो जबान से 20 साल। ब्यूटीशियंस ने एक बात नोट की है, सबने देखा है कि वाजिद ने शेड लगाया, कितना भर के लगाया है। आप लोगों से सबसे मुझे एक बात का एतराज है, आप लोग चुना था शेड लेते हैं और बस नहीं लगा रहे थे, नजर ही नहीं आता और उसको पानी वाले ब्रश से फैलाते रहते हैं, ठीक नजर आए शेड। सदफ कितना प्यारा लग रहा है, सबका बहुत प्यारा लग रहा है, सदफ का और एनी का तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुभाजी, ये क्या कर रहे हैं? सॉकेट लाइन दे रहे हैं और ये ब्राउन शेड से दे रहे हैं, ब्राउन से और सॉफ्ट ब्लेंड करके आप दे रहे हैं, सॉफ्टली, ठीक है, ठीक है। बहुत प्यारा कलर है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने लाइनर उठाया और लाइनर को आप आंखों लेंगे
नीचे देखेंगे। अच्छा बाजी, जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आपके जहन में विजुअल होता है कि मैंने इसको फाइनली क्या क्रिएट करना है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने आती है लड़कियां, मैं उस दिन से ही सोचना शुरू कर देता हूँ, अच्छा मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। अच्छा। और जब सामने आती है तो ज्यादा फिर समझ में, जब कपड़े पहन के जब शर्ट चेंज किया हुआ होता है तो फिर ज्यादा समझ में आता है। आईब्रो आपके हाथ में आकर तो हाईलाइट हो जाती है, और ये आपके मेकअप का ना एक बड़ा, जिसे कहते हैं सिग्नेचर सा एक एलिमेंट है। आंख प्रोमिनेंट होती है अगर आईब्रो अच्छी बनी हुई हो तो, और किसी भी तरह की आईब्रो हो आप उसे बड़ा खूबसूरत एक शेप अप कर लेते हैं। बिल्कुल, आईब्रो पता है कि आपका आईब्रो से आपकी पूरी आंख खुल जाती है। अगर आपकी आईब्रो अभी इन्हीं की तीन चार दिन से लोग आईब्रो बना रहे थे और सत्यानाश कर रहे थे, यू कैन सी ये कितनी खूबसूरत आंख लग रही है। कोई उसकी चोट को कवर भी नहीं कर रहा था, मैं कहती थी खुदा का वास्ता कवर कर दो। अब आपको समझ आ रही है कि वाजे जो तड़प तड़प के कमेंट करते थे तो उसकी वजह क्या थी? आपके सामने आप ही की मॉडल्स पे उन्होंने कितना डिफरेंट मेकअप जो है वो किए हैं। सॉलिड काली लाइन लाइनर की होनी चाहिए, अच्छी लैश है वो वाली। तो पूरी लैश लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा पूरी नहीं लगाएंगे, काट के लगाएंगे। ठीक है, आई लैश काटना हर आंख के लिए जरूरी है? थोड़ा सा काट ले तो अच्छा हो जाता है, शेप उसका अच्छा आ जाता है। लेकिन फिर उस कटी हुई लैश को लगाना किस तरह है? हाँ। वो भी आना चाहिए ना। ये नहीं ना कि वो कटी हुई लैश एक तो पहले तो इधर करके लगा दी कहीं बाहर की तरफ और ये जगह आपकी बिल्कुल ही खाली हो गई। सो ये देख सकते हैं हल्की हल्की सी हम आप जब लैश लगाते हैं तो आप आंख बंद करके नहीं लगवाते हैं, आप आंख खुलवा के और नीचे की तरफ वो देखें तो लगाते हैं ना, वो आराम से लग जाती है। अच्छा, तो ये टिप आप लोग नोट कर लेना, आंखें बंद करके लैश लगाने से बाजू का तो नीचे भी ग्लू लग जाता है और वो जुड़ जाती है आंख। वाह, लड़की है आप लोग जिसको आप तीन दिन से देख रहे हैं खवातीनों हजरात, ये वही लड़की है। आज का आपका टास्क ये है कि आई मेकअप सबके हो गए और सबने अब इन आई मेकअप को फॉलो करना है, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आप लोग टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जिसने शेड्स लेने हैं यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन गुड लक टू यू ऑल, तो ब्रेक पे जा रहे हैं और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद दोबारा आपको वेलकम कहेंगे ब्यूटिशियन नंबर वन में। जनाब हम आपको वेलकम कहेंगे ब्यूटिशियन नंबर वन में, मेरे जजेस नताशा और वाजिद मेरे साथ, और टास्क जो है वो अब दिया जाएगा आपको, जो कि वाजिद ने मेकअप करके दे तो दिया है, लेकिन नताशा दीजिए टास्क, साइन कीजिए। जी, आपके मॉडल्स के जो एक आंख पे मेकअप वाजिद ने किया है, आप लोगों ने देखा है पास खड़े होके खुद एक एक शेड किस तरह से ब्लेंड किया है, क्या क्या लगा है, सेम आपने वही आंख दूसरी बनानी है। वाजिद टाइम कितना देंगे आप? So, अब जैसे आपको लगता है कि दो आंखें बनाते हैं आपको 10 मिनट कम लगते हैं, ठीक है, तो आपको 1 मिनट के जो आपका सेगमेंट है पूरा आपका वही आपका सेगमेंट होगा, और आपको इतनी देर में एक आंख बनानी है। ठीक है, टाइम मतलब आपको ज्यादा मिल गया है, टाइम ज्यादा मिल गया, लेकिन एक ही आंख है अब आपकी। जिसका मतलब है कि आपके पास 10 मिनट है। अच्छा, जब तक ये सारा कुछ है शुरू हो चुका है, हमारे पास बहुत खूबसूरत सी ज्वेलरी है, और ये ज्वेलरी जो है नताशा आप और वाजिद आप आमना जी आइएगा। सो आमनाज कलेक्शन, और इतनी खूबसूरत मैंने भी पहनी हुई है, ये कुंदन का है जो मैंने पहना हुआ है, ये सब कुछ है पोल के कुंदन का है, पोल के कुंदन का ये उठा के पहन लो, ये वाला पहन के देखो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। ये डायमंड कट्स में सारा जो है ये है, और हैंडमेड है टोटल ये। अच्छा जी जी जी, और ये हैंडमेड है और डायमंड कट में है, कट में और प्योर सिल्वर में इसको बनाया गया। कितना प्यारा लग रहा है ना, हसीन। और ये मुझे तो ये देखिए वाजिद देखिए, ये तीन चार कलर्स के साथ मुझे पहले ये नजर आते ना तो मैंने ये पहने। अच्छा, हाँ ये बहुत प्यारे, और मुझे तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने यही पहनने थे अगर मुझे पहले नजर आते, बहुत खूबसूरत। आइए यहाँ पे। अच्छा, बाकी ये आप कराची में होती है?
जी जी मैं कराची में तो लाहौर वाला लाहौर नहीं लाहौर में भी है मेरा अभी मैंने रिसेंटली मेरा ऑफिस है वहाँ पे डिस्प्ले है स्टूडियो जो आप आके विजिट भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बाय और उसमें सब डिस्प्ले होता है जो भी अपॉइंटमेंट आप देना चाहिए ऑर्डर टू मेक है आप आप ऑर्डर भी करो तो आपका लग रहा है बिल्कुल जी है ना बेसिकली है ये सब गोल्ड डायमंड के डिजाइन जितने अच्छा गोल्ड प्लेटेड भी है या सिर्फ डिजाइन है नहीं नहीं गोल्ड प्लेटेड है गोल्ड प्लेटेड है मगर प्योर सिल्वर में इसको सारा बनाया है अच्छा आमदनी इतने लंबे इयररिंग्स जो है ये किसको सूट करते हैं और किसको नहीं पहनने चाहिए इतने ये जैसे आप जैसों को सूट करते हैं आप जैसों का मतलब मीन्स के ये आपके जैसे नेक इस ड्रेस लंबी और बहुत नेक जैसे बड़ी है और उसके हिसाब से आपको ये जैसे अच्छे लगेंगे जिनकी नेक हो जैसे अब मुझे है तो ये मुझे सूट नहीं करेंगे आपको क्यों नहीं सूट करेंगे के देखते हैं अच्छा ठीक है तो अगर आपने अपने लिए सूट करने हो तो फिर आप कौन से वाले चुनेंगे मैं थोड़ा सा इस पे जाऊंगी कि एक साइज पे मैं इस पे जाऊंगी या इस पे जाऊंगी क्योंकि फेस के हिसाब से ये या फिर मेरा ये वाला होगा यानी अगर आपका चेहरा थोड़ा सा गोल है बिल्कुल तो नेक छोटी है तो फिर आप जरा छोटे साइज के छोटे साइज पे जाएंगे और अगर आपका जरा गर्दन लंबी है तो फिर आप जरा लटकने वाले जो है वो पहन सकते हैं अच्छा इसी तरह से ये जो लंबी वाली माला है जो बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे ये तो आजकल बहुत इन है बहुत इन है ये एक्चुअली आजकल जो पूरे मेन ब्राइडल सेट्स के साथ और लोग फिर जो है जैसे आपने ये पहना हुआ है तो इसी के नीचे ये लोग ब्राइड्स वगैरह जो है वो वेयर कर रही हैं ठीक है और इसी के साथ ये पोलकीज के साथ और ये भी सिल्वर में ही सारी बनाई गई है ठीक है ये बहुत खूबसूरत है अच्छा मैं चाहूंगी कि हमारी जबकि ब्राइड्स जो है वो तैयार होनी है तो आप इनके लिए सेट्स जो है वो सिलेक्ट करके दें ताकि जब इनकी ज्वेलरी पहनाने का टाइम आए तो ये आपके सेट्स पहने और हम देखें कि किस तरह से इनको सूट करेगा तो आप एक नजर ब्राइड्स को देख सकती हैं आमना जी आके आप ब्राइड्स को देख लें कि किसको आप कौन से वाला ज्वेलरी का सेट जो है वो देना चाहेंगी और ताकि फिर हमारे जजेस इसको इवेल्युएट करेंगे कि उन्होंने ज्वेलरी कैसे पहनाई है कैसी लग रही है कैसी दिख रही है या फिर आप सजेस्ट कर सकती हैं ब्यूटीशियंस को कि वो कौन सी हैं कि वैसे ब्रेस्ट के साथ जैसे कि हमारी ये बारात की सारी ब्राइड्स हैं तो मैं इनको भी यही सजेस्ट करूंगी मेहरून वाला जो रूबी वाला है पूरा नेक इनका कवर हो तो उसमें मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि मैं इनको वो पहनूंगी बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी देखूंगी जैसे ये पर्ल्स वर्क भी सारा इसमें आ रहा है तो थोड़ा सा उसको भी सजेस्ट करूंगी कि जो अगर मेरे पास चौकर है तो मैं इनको वो सजेस्ट करूंगी कि ये वो पहने थोड़ा सा उसमें वो उसका लुक आ रही बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच अभी आपके पास ब्यूटीशियंस आएंगी और वो आपके पास आके सिलेक्ट करेंगी तो आपने उनको गाइड करना है थैंक यू आमना जी थैंक यू सो अच्छा वाजिद मेरा ख्याल अभी थोड़ा सा टाइम है तो ब्यूटीशियंस को इनका टाइम देते हैं और एक गाना सुनते हैं।